यदि विचार पूर्वक देखें तो यह सभी को अनुभव होगा कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, और जिसका विनाश होता है उसकी स्थिति सिद्ध नहीं होती। विनाश का जो क्रम है वही स्थिति के स्वरूप में प्रतीत होता है, पर इस रहस्य को वे ही विचारशील जानते हैं जिन्होंने उत्पत्ति से पूर्व जो है उससे अभिन्नता प्राप्त की हो। जीवन वही है जो उत्पत्ति विनाश रहित है, और जो उत्पत्ति विनाश रहित है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, यह कहना न्याय संगत नहीं मालूम होता, निज विवेक से सिद्ध नहीं होता। विवेक युक्त दृष्टि से तो यही सिद्ध होता है कि जो उत्पत्ति से पूर्व था और जो विनाश के पश्चात है उसे साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि प्राप्ति उसी की होती है जो है, जो नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं होती अपितु प्रतीति होती है। साधारण प्राणी इंद्रियों के ज्ञान पर ही, जो वास्तव में अल्प ज्ञान है, पूरा विश्वास करके प्रतीति को प्राप्ति मान लेते हैं। यद्यपि प्रतीति में प्रवृत्ति ही होती है पर प्राप्ति कुछ नहीं होती। अब प्रश्न यह होता है कि है क्या है जो उत्पत्ति विनाश से रहित है, अथवा उत्पत्ति विनाश से पूर्व है, जिससे उत्पत्ति और विनाश प्रकाशित है, उसी को है के अर्थ में लेना चाहिए। है का वर्णन संकेत भाषा से ही संभव है, कारण कि जिन साधनों से हम है का वर्णन कर सकते हैं वे सब है से ही प्रकाशित हैं, और है की सत्ता से ही सत्ता पाते हैं। जो साधन जिससे सत्ता पाते हैं वे उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, केवल संकेत ही कर सकते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि इच्छाओं की निवृत्ति कैसे हो। इच्छाओं की निवृत्ति के अनेक साधन हैं, परंतु उन अनेक साधनों में आज एक दो साधनों की ही चर्चा करेंगे, और वह यह है कि यदि हमें अपनी इच्छाओं का अंत करना है तो सर्वप्रथम अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना चाहिए। उत्पन्न हुई इच्छाओं में जो ऐसी इच्छाएं हों कि जिनका संबंध वर्तमान से हो, जिनको पूरा किए बिना किसी प्रकार नहीं रह सकते, जिनकी पूर्ति के साधन प्राप्त हों, तथा जिनसे किसी का अहित न हो, उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। परंतु पूरा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पूर्ति का जो सुख है वह हमें अभीष्ट नहीं है,
कारण यदि हम इच्छा पूर्ति का सुख लेते रहेंगे तो पुनः इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी और यह चक्र चलता ही रहेगा। जिन इच्छाओं में उपर्युक्त चार बातें न घटती हों, उन इच्छाओं का विचार पूर्वक त्याग करना होगा। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति करने पर अनावश्यक इच्छाओं के त्याग का बल स्वतः आ जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं में से उपर्युक्त चार बातों से संबंध रखने वाली इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं और जिनका इन चार बातों से संबंध नहीं है उनका जब त्याग कर लेते हैं, तब स्वाभाविक निरिच्छता आ जाती है, अर्थात इच्छाएं निवृत्ति हो जाती है। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति होने पर मन अमन अर्थात निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है और इंद्रियां अविषय हो जाती हैं। ऐसा होने से जीवन अलौकिक विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह नियम है कि विवेक का प्रकाश स्वतः साधक का पथ प्रदर्शन करने लगता है, अर्थात साधक को स्वतः अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है। कर्तव्य उसे नहीं कहते जिसके करने में कर्ता असमर्थ हो तथा जिसके करने पर सफलता न हो। कर्तव्य उसे कहते हैं जो किया जा सके तथा जिससे सफलता अवश्य हो। आज जो हम इच्छाओं में आबद्ध होकर उलझनों में उलझे रहते हैं और इंद्रियां विषयों में आसक्त रहती हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम आवश्यक इच्छाओं को पूरा नहीं करते और साथ ही अनावश्यक इच्छाओं का त्याग भी नहीं करते। यह किसी का अनुभव नहीं है कि सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और यह भी किसी का अनुभव नहीं है कि कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। अर्थात कुछ इच्छाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं। सभी भाई बहनों का यह अनुभव है कि बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति होती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति नहीं होती। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वे हमारे जीवन में केवल इसीलिए मौजूद हैं कि हमने अपनी वस्तु स्थिति का अपने विवेक के प्रकाश में अध्ययन नहीं किया। यह विवेक का काम है कि वह आपको जरूरी और गैर जरूरी इच्छाओं का बोध कराए। जिस समय हम अपनी जरूरी इच्छाओं को जान लेंगे वे अवश्य पूरी हो जाएंगी, और जब जरूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो गैर जरूरी इच्छाएं स्वतः मिट जाएंगी। आगे पीछे का जो व्यर्थ चिंतन होता रहता है वह मिट जाएगा
कारण कि यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं के मिटने से व्यर्थ चिंतन मिट जाता है, और जब व्यर्थ चिंतन मिट जाता है तब सार्थक चिंतन का स्वतः उदय हो जाता है। अतः आज हमसे जो तत्व चिंतन तथा भगवत चिंतन नहीं होता है, उसका कारण व्यर्थ चिंतन का न मिटना है और कुछ नहीं। यह कठिनाई प्राय सभी साधकों के सामने है कि चित्त सार्थक चिंतन में लगता नहीं, और जो करना चाहिए उसे हम कर पाते नहीं। क्या सार्थक चिंतन में असमर्थ है? कदापि नहीं। निरर्थक चिंतन ने ही सार्थक चिंतन को उदित नहीं होने दिया।